हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज। हेलोजिनेस एल्केन टॉपिक है उसका, केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड है, दैट इज हेलोजिनेस। तो हेलोजिनेशन होता क्या है, व्हाट इज हेलोजिनेशन? तो हेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ हेलोजन। कौन कौन से हेलोजन है हमारे पास, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अगर हम पर्टिकुलर कह रहे हैं, अगर हम इनमें से किसी को भी ऐड करवा रहे हैं या किसी को भी करवा सकते हैं तो हम कहेंगे हेलोजिनेशन। लेकिन एक पर्टिकुलर को ऐड करवाएंगे तो उसे कहेंगे, जैसे हमने एडिशन ऑफ फ्लोरीन करवा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड फ्लोरीनेशन। अगर हम एडिशन ऑफ क्लोरीन करवा रहे हैं तो इट इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। अगर हम एडिशन ऑफ ब्रोमीन करवा रहे हैं इट मीन्स ब्रोमिनेशन। और अगर हम एडिशन ऑफ आयोडीन करवा रहे हैं इट इज कॉल्ड आयोडिनेशन। तो ये अकॉर्डिंग है कि हम कौन सा एडिशन करवा रहे हैं। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एल्केन की बात हो रही है तो हम कहेंगे यहां पे हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, यानी हम एल्केन में क्या ऐड करवाएंगे, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन मींस एल्केन में हम हेलोजन को ऐड करवाएंगे। तो क्या क्या चीज है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जैसे हमने कोई भी एल्केन लिया और उसमें हेलोजन ऐड करवाएंगे तो ये एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फ्री रेडिकल यानी यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे है, देखो एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको। सपोज करो मैंने क्या लिया, मीथेन ले लिया, CH, CH, H और H, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे Cl2 ऐड करवाएंगे, ये क्या करेगा, एक H और Cl क्या होंगे इसके बाहर, जैसे सपोज करो ये Cl है तो ये HCl निकल जाएगा और ये Cl यहां लग जाएगा, तो ये बनेगा CCl और इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा, इसे कहेंगे क्लोरोमिथेन और प्लस HCl। अगर एक बार और आप, अगर इसे आप एक्सेस में ले रहे हो क्लोरीन को, अगर क्लोरीन एक्सेस में यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो फिर क्या होगा, ये दोबारा रिएक्शन होगी, देखो सेकेंड टाइम्स फिर रिएक्शन होगी, किससे, क्लोरीन से। अब की बार ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा बाहर और ये Cl यहाँ अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा Cl और यहाँ H और ये H। अगर आपको थर्ड टाइम्स भी करना है तो आप तीसरे टाइम भी कर सकते हो, यहाँ पे दो Cl तो ऑलरेडी अटैच हैं प्लस Cl2, यानी एक्सेस में होगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन तो ऑटोमेटिकली होगी और ये बन जाएगा CCl, CL, Cl, तीन Cl बन गए और HCl बाहर हो गया। फोर्थ केस में क्या होता है कि चारों के चारों H क्या होंगे, इससे बाहर हो जाएंगे। अब चौथे केस में अगर हमने ऐड करवाया, अब इसके बाद कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये HCl यहां से निकल जाएगा क्योंकि पहली बार में एक H निकला, सेकंड में दूसरा H निकला, तीसरे में तीसरा H निकला, चौथे में चौथा वाला H निकल जाएगा और ये बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। तो इस तरीके से क्या होता है, दिस इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। तो अभी मैंने बताया आपको कि क्या होता है, एडिशन ऑफ हेलोजन करवा रहे हैं हम यहां पे। तो हेलोजन ऐड करवाने से क्या होगा कि जो ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, यानी कौन सा हाइड्रोजन पहले निकलेगा, तो सबसे पहले कौन निकलेगा, टर्शियरी हाइड्रोजन पहले निकलना चाहेगा, फिर सेकेंडरी, और सबसे लास्ट में कौन निकलना चाहेगा, प्राइमरी हाइड्रोजन बाद में निकलेगा, ठीक है। अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो टर्शियरी हाइड्रोजन सबसे पहले निकलेगा, फिर सेकेंडरी और सबसे लास्ट में प्राइमरी हाइड्रोजन। और अगर हम बात करते हैं हेलोजन के रिएक्टिविटी की, कि हेलोजन में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। तो रिएक्टिविटी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम वन बाय वन देखते हैं, तो फर्स्ट वन इज फ्लोरीनेशन। फ्लोरीनेशन मीन्स, अभी मैंने कहा था आपको, फ्लोरीन को ऐड करवाएंगे, फ्लोरीन को ऐड करवाएंगे किसके साथ, मिथेन या कोई भी एल्केन के साथ, तो क्या होगा, इसका एच फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन डिस्प्लेस करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन को फ्रॉम एल्केन, एल्केन से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा यानी सब्स्टिट्यूट कर देगा और खुद वहां पे चला जाएगा, तो ये बनेगा आपका फ्लोरोमिथेन।
ठीक है, लेकिन आप इसको लैब में नहीं बना सकते, क्यों? बिकॉज इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी इससे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इवन एक्सप्लोसिव होता है, और इसी की वजह से, इन दोनों की वजह से क्या है, इसको हम डू नॉट फॉर्म इन लैब, लैब में या इन जनरल हम नहीं बनाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है, एक्सोथर्मिक होता है, इसीलिए लैब में हम इसको डायरेक्ट फॉर्म नहीं करते। तो फ्लोरिनेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये क्या है, एक्सप्लोसिव होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, और इसको हम लैब में फॉर्म नहीं करते। अब सेकेंड पॉइंट आता है इसमें क्लोरिनेशन का, ये सबसे ज्यादा आपके पास क्लोरिनेशन का, क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन मीन्स हो गया एडिशन ऑफ क्लोरीन। जैसे हमने क्या किया, मीथेन लिया, Cl2 ऐड किया, और ये बन गया आपका CH3Cl+HCl, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म क्या है, इसमें तीन स्टेप की मैकेनिज्म होती है, यहां पे किसी भी उसमें तीन स्टेप की मैकेनिज्म होगी, मैकेनिज्म है तीन स्टेप की। मैकेनिज्म में फर्स्ट पॉइंट आता है, मैकेनिज्म मीन्स स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे हम इसमें। तो यहां पे पहला होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, यानी यहां पे इसमें तीन स्टेप होते हैं, देयर आर थ्री स्टेप। फर्स्ट इज चेन इनिशिएशन स्टेप, जैसे आपको पता चल रहा है इनिशिएशन मीन्स स्टार्ट करना, चेन को हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है चेन को। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी कहा आपको ये क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसको हम ये भी कह सकते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसका नाम ही है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो यहां पे देखो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, तो हमने क्या किया, ClCl को ध्यान रखना, आप यहां पे लाइट दे दो, यहां पे हीट दे दो, या परोक्साइड कर दो, क्योंकि फ्री रेडिकल कैसे बनता है आपको बताया था, उसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, बहुत सारी कंडीशन बताई थी आपको, ठीक है। जनरली लाइट दिया जाता है, लाइट दे दो, हीट दे दो, परोक्साइड की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन को, परोक्साइड, ठीक। तो ये क्या होगा, दोनों पार्ट में टूटेगा और यहां पे क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल, यहां पे आपके पास बन गया क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हो गया। तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कई बार पूछ लेता है वो कि चेन इनिशिएशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। यहां पे क्या है, हीट रिक्वायर्ड है, हीट क्या है यहां पे, रिक्वायर्ड है टू ब्रेक डाउन, और हीट कहां से आ रही है, सनलाइट से ले सकते हैं हम, हीट रिक्वायर्ड हो रही है जो हम सनलाइट से ले सकते हैं। तो क्लोरीन के केस में जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज 243 किलो जूल पर मोल, यानी कि प्लस में है, प्लस मींस एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिक्वायर्ड, और हीट कहां से आ रही है, ये कम्स फ्रॉम लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट से, जो लाइट से हीट आ रही है जिससे सीएल टूट रहा है। पहला स्टेप क्या हुआ, ब्रेक डाउन हो गया। अब सेकेंड स्टेप इज चेन प्रोपगेशन स्टेप, प्रोपगेट करना, उसे बढ़ाते जाना, एक्सटेंड करना, चेन को हम बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब बढ़ाएंगे कैसे, देखो यहां से हमने फ्री रेडिकल बनाया, अब इसे ध्यान से देखो, मीथेन ले लो या एथेन ले लो, कोई भी हाइड्रोकार्बन आप ले सकते हो, सब में स्टेप सेम चलेगा। देखो ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक फ्री रेडिकल है, तो वो क्या करता है, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है यहां से, यानी ये दोनों यहां से निकल जाते हैं बाहर, ठीक है। हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या होगा, बाहर चले जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने अल्ट्रावायलेट रेज दी थी और वो किसके फेवर में होती है, फ्री रेडिकल की, यानी कि यहां पे होमोजीनियस फिजन होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन किसके साथ चला गया, हाइड्रोजन के साथ। अब ये दोनों ने मिलके क्या बना लिया, HCl, ये दोनों ने मिलके बना लिया HCl, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई। अब जो C है यहां पे फ्री रेडिकल बच गया, ये फ्री रेडिकल इस C के पास बच गया। अब क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो ये फ्री रेडिकल, क्योंकि यू वी नो दैट कि फ्री रेडिकल इज मोर रिएक्टिव होगा, तो क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में है, तो फिर क्या करेगा, ये इस क्लोरीन को
तोड़ेगा, यहां से फिर ये क्लोरीन टूटेगा। पहली बार तो लाइट से टूट गया, अब फ्री रेडिकल है ये भी तोड़ रहा है इसको, तो क्या हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, यहां से इलेक्ट्रॉन आया, अब इन दोनों के बीच में क्या हुआ, बॉन्डिंग बन गई। तो यहां पे कौन सी बॉन्डिंग होगी, CH3 और ये CN, और फिर क्या हो गया, Cl डॉट हो गया। इस तरीके से रिएक्शन करता जाएगा, जब तक ये डॉट को रुकेगा नहीं, जब तक फ्री रेडिकल ये कहीं आप ट्रैप नहीं कर लेते, तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, यानी प्रोपगेट होती रहेगी, एक्सटेंड होती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम रखा है चेन प्रोपगेशन। जैसे आपने फैन को ऑन किया तो फैन चलने लग गया, तो पहले आपने इनिशिएट किया, स्टार्ट किया फैन को, अब फैन चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, जब तक आप उसे ऑफ ना करो। तो ये क्या है, आपका स्विच वाला बटन है, जब तक ये रहेगा ये रिएक्शन क्या होगी, चलती जाएगी, क्योंकि हजारों CH4 के हजारों होंगे, तो ये फिर इसके साथ कंबाइंड होगा, ये बनेगा, फिर इसकी ये रिएक्शन क्या होती जाएगी, चलती जाएगी चलती जाएगी, प्रोपगेट होती जाएगी और ये बनता चला जाएगा आपके पास। तो आपने पहले स्टार्ट किया, अब रिएक्शन चलती चली गई चलती चली गई। और इसमें ध्यान रखना कि ये रिएक्शन कैसी होती है, दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। यहां पे डेल एस की वैल्यू आपकी क्या होगी, माइनस आएगी, माइनस 100 किलो जूल पर मोल, यानी माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखना जो चेन प्रोपगेशन स्टेप होता है जनरली वो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होता है, वहां पर हीट निकल रही होती है। तो प्रोपगेशन रिएक्शन में क्या है, देखो सी डॉट और CH3 फ्री रेडिकल ये दोनों बनते भी जाते हैं, फॉर्म्ड भी होते हैं, और दोनों फिर क्या होते जाते हैं, कंज्यूम्ड भी होते जाते हैं, कंज्यूम्ड। जैसे ये बना, ये कंज्यूम्ड हो गया, ये बना, यहां से ये बना, फिर यहां से कंज्यूम हो जाएगा, फिर ये रिएक्शन चलती चली जाएगी। तो ये दोनों फ्री रेडिकल बनते भी हैं और कंज्यूम्ड भी होते हैं, यूज भी होते हैं। अब इसका थर्ड स्टेप आता है, अब थर्ड स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब स्टॉप करना, तो जो रेडिकल इनहिबिटर्स होते हैं वो स्टॉप कर देते हैं रिएक्शन को, जो प्रोपगेशन हो रही है उसको बचाने के लिए, सॉरी उसको स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए हम क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल है, जो इंटरमीडिएट्स बने हैं, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, यही आपस में क्या होंगे, कोलाइड कर जाएंगे, फ्री रेडिकल ही आपस में कोलाइड कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो कौन कौन से फ्री रेडिकल बने थे, जैसे हमारे पास बना CH3 और CH3, तो ये ही आपस में कोलाइड हो गए और ये बन जाएगा CH3। देखो एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, तो CH3 यानी क्या बन गया आपके पास, इथेन बन गया। तो ये इथेन भी बन सकता है, इसमें ध्यान रखना। सेकंड देखो Cl डॉट था Cl, क्योंकि तो हजारों होंगे, ये नहीं कि एक और दो ही मॉलिक्यूल होंगे, तो हजारों ये मिलेंगे आपको, हजारों ये मिलेंगे, तो ये आपस में कोलाइड करके ये बन जाएगा, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो Cl2 बन जाएगा। और अगर इसमें CH3 डॉट और Cl डॉट आपस में कंबाइंड होंगे तो ये बनेगा, देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3Cl। तो इस तरीके से क्या है, स्टॉप द रिएक्शन, यानी स्टॉप रिएक्शन को रोकने के लिए हम इसे कहते हैं चेन टर्मिनेशन। टर्मिनेट करना यानी ब्रेक डाउन करना, रोकना है चेन को। तो ये फ्री रेडिकल ही आपस में क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाते हैं और इस तरीके के प्रोडक्ट देते। अगर हम इसमें देखो ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ तो ग्राफ कैसे होगा, देखो एक तरफ हमने किया क्या, वाई एक्सेस में पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पे लिखा हमने प्रोसेस ऑफ रिएक्शन। तो क्या होगा, देखो पहले स्टेप हमने कहां से स्टार्ट किया था, पहले स्टेप हमने स्टार्ट किया था RH, और यहां पे हमने क्या ऐड किया था, Cl2। तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी यहां से, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी से स्टार्ट कर रहे। अब यहां से ये ऊपर जाता है, इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ये जो स्टेट होती है दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। तो यहां पे जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा आपने, एक्टिवेशन एनर्जी यानी एनर्जी रिक्वायर्ड, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां से इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचा, उसके बाद यहां से क्या होता है, यहां तक पहुंचता है। अब यहां तक पहुंचता है तो ये सेकेंड स्टेप स्टार्ट हो जाता है इसका। अब इन दोनों को मिलकर क्या हुआ, तो यहां पर देखो यहां से मिलकर क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल आर
डॉट बनता है और इसमें हम सी एल टू एड करवाते हैं। अब ये यहां तक जाएगा, देखो यहां तक ये क्या थी, ये लाइन थी, ये पीक भी इसका यहां तक जाएगा। अब इसको इतनी एनर्जी और क्या होगी इसके लिए रिक्वायर्ड होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ कि ये सेकेंड स्टेप हुआ यहां से, और यहां पे क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसमें ये प्रोडक्ट बन गया आर सी एल और सी एल डॉट। तो ये आपको बता रहा है देखो स्टेप बाय स्टेप है, पहले ये था, पहले स्टेप में ये बना और सेकेंड स्टेप में ये बन गया। यानी ये जनरली दो स्टेप की रिएक्शन बताई हुई। कई बार क्या होता है आप इससे पता लगा लेते हो कितनी स्टेप की रिएक्शन है, ठीक है। तीन स्टेप की है, पहले इनिशिएशन था वो इसमें शो नहीं किया हुआ है, इसमें डायरेक्ट दिखा दिया कि हमने रिएक्शन करवाया है, इनिशिएशन को नहीं दिखाया इसमें। इसमें हमने पहले ये दोनों को ऐड करवाया, ऐड करने के बाद ये बना और इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट ये बना, ये इंटरमीडिएट बना जो प्रोपगेशन के लिए यूज हो रहा है और ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ध्यान रखना कि स्टेप बाय रिएक्शन के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। ये जनरली दो स्टेप की रिएक्शन बताई हुई है। अगर सपोज करो आपको अगर ग्राफ दे दिया और उसमें इस तरीके से दे दिया 1 2 3 इस तरीके से, तो आपने इस पीक से समझना है 1 2 3 यानी थ्री स्टेप की रिएक्शन है। अगर इसमें एक और कर देंगे मीन्स 4 स्टेप की रिएक्शन, तो यहां से आपको पता चल जाएगा कितनी स्टेप की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे इनिशिएशन को शो नहीं किया गया क्योंकि रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, तो जो इनिशिएट किया जो हमने सी एल टू को तोड़ा है उसे हमने यहाँ पे शो नहीं किया है। हमने डायरेक्ट क्या किया, रिएक्टेंट लिया, उसमें सी एल टू पास आउट किया। पास आउट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये एल्काइल फ्री रेडिकल फॉर्म्ड हो जाएगा और इसमें हमने सी एल टू गैस को फिर पास आउट कराएंगे तो एल्काइल हैलाइड मिलेगा और फ्री रेडिकल बनेगा। तो ऐसी रिएक्शन क्या होगी, सेम स्टेप चलेगी किसके लिए, ब्रोमिनेशन के लिए। अगर मैंने कहा सेम स्टेप करो और ब्रोमिनेशन करो, तो ब्रोमिनेशन मींस एडिशन ऑफ ब्रोमीन। हमने यहाँ पे Br2 को ऐड किया इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि फ्री रेडिकल फॉर्म्ड होगा तो यहाँ पे बनेगा CH3Br और HBr। ऐसे अगर हम क्या करेंगे, आयोडीनेशन करेंगे यानी आयोडीन को ऐड करेंगे तो क्या होगा, जैसे CH4 था। अब स्टेप वही है सेम सबके लिए, क्या होगा मैकेनिज्म एक जैसी है, मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं होने का, ये HI सेम स्टेप चलेगा सबके लिए। लेकिन इसमें क्या होता है, ध्यान रखना कि जो आयोडीन होता है इसके लिए केस चलता है, इसमें क्या होगा कि आयोडीन भी फेवर नहीं हो पाता है। देखो ब्रोमीन और क्लोरीन की बहुत सारी रिएक्शन होती है, आयोडीन फेवर क्यों नहीं कर पाता उसका मैं आपको रिएक्शन वो बताता हूं, रीजन बताता हूं। इसके दो रीजन है, देखो देर आर टू रीजन। सबसे जो मेन रीजन है उसमें वो ये, देखो HI, अभी मैंने आपको HI की रिएक्शन बताई थी कि HI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। SI इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा, ये रिएक्शन को वापस कर देता है, ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर फिर क्या होता है, वापस हो जाता है। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल हो जाती है बिकॉज ऑफ HI। ये HI क्या करेगा, फिर दोबारा कंबाइंड होकर इसमें चेंज हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है यानी दूसरे को रिड्यूस कर देगा, और रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन वापस हो जाएगी फिर से। तो ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल हो जाती है, किसकी वजह से, ड्यू टू HI, इस HI की वजह से ये रिएक्शन वापस हो जाएगी। तो रिवर्सिबल यानी आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, ये भी मिलेगा यहां से, ये आपने ऐड किया ये बन जाएगा, ये ऐड करके ये बन जाएगा, तो ये क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती। तो यहां पे इस रिवर्सिबल रिएक्शन को रोकने के लिए अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन ना हो, तो हम यहां पे क्या करते हैं, वी ऐड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऐड करते हैं, हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्या करेंगे, एड करेंगे। वो क्या करेगा, वो HI के साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्शन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, ठीक है। तो यहां पे जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं जनरली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं वो है आपका HIO3 या HNO3, HNO3 ये यूज करते हैं। ये क्या करेंगे, HI के साथ रिएक्शन करेंगे।
तो ये क्या होता है, जो एच आई है इसके साथ ये एच आई क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, और एच आई ओ थ्री क्या है यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, आई टू बना देंगे। तो यहाँ पे जो एच आई है वो बचेगा नहीं, इसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, एच आई को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब एच आई बचेगा ही नहीं, एच आई क्या हो गया यहाँ से डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया, तो क्या होगा, रिएक्शन भी रिवर्सिबल नहीं होगी। ये रिएक्शन क्या नहीं होगी, रिवर्सिबल नहीं होगी, ये क्या हो जाएगी इरिवर्सिबल, यानी एक ही डायरेक्शन में चलेगी। और यहाँ से हमें फिर जो आयोडीन का प्रोडक्ट है वो मिल सकता है। इसका सेकेंड स्टेप है कि इसको ना मिलने का कारण क्या है, पहले तो आपको बता दिया मैंने कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की वजह से हो रहा था। जो इसका सेकेंड रीजन है, सेकेंड रीजन ये है कि इसकी जो इनिशिएशन रिएक्शन है, इनिशिएशन रिएक्शन, और इसका जो प्रोपगेशन रिएक्शन है, प्रोपगेशन रिएक्शन है, ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो होते हैं, ये दोनों के दोनों एंडोथर्मिक होते हैं, एंडोथर्मिक। बाकी में क्या था कि ये एंडोथर्मिक था और ये एक्सोथर्मिक था, लेकिन इसमें ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, एंडोथर्मिक होते हैं। अब जब दोनों के दोनों एंडोथर्मिक होंगे तो आपको रेगुलरली हीट क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी रिएक्शन को करवाने के लिए, यानी ये अपने आप रिएक्शन नहीं होगी, वी मस्ट हैव टू सप्लाई द हीट और लाइट टू कंप्लीट द रिएक्शन। इसीलिए क्या है, ये दोनों चीज ज्यादा फेवर में नहीं होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो Cl2 और Br2 है वो जल्दी हो जाते हैं, लेकिन फ्लोरीन का केस तो ध्यान रखना आपको इसकी रिएक्शंस बहुत कम मिलेगी, क्योंकि डायरेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। क्लोरीन और ब्रोमीन आपको मैक्सिमम मिलेगा और आयोडीन आपको बहुत कम मिलेगा, वेरी लेस। तो रीजन क्या है इसका, कि आपको दो रीजन बता दिए इसकी वजह से आयोडीन का रिएक्शन नहीं हो पाती। अगर सपोज करो ये तो एक सिंपल था, अगर मोर कॉम्प्लेक्स एल्केन हो जाएगा, मोर कॉम्प्लेक्स एल्केन, मोर कॉम्प्लेक्स एल्केन मीन्स होता है जिसमें अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। डिफरेंट टाइप का मतलब जैसे 1 डिग्री हाइड्रोजन भी हो गया, 2 डिग्री हाइड्रोजन भी हो गया, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी हो गया, फिर क्या होगा, यानी डिफरेंट टाइप के अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो क्वेश्चन ये कि कौन सा हाइड्रोजन निकलेगा, या किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है निकलने की, या कौन सी कंडीशन में कौन सा निकलेगा। तो इसको इसके जो डिफरेंट टाइप का जो हाइड्रोजन होगा उसको रिमूव करने के लिए क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते, कुछ फैक्टर्स है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो यहां पे 3 फैक्टर हैं जो क्या करेंगे, अफेक्ट करते हैं। पहला प्रोबेबिलिटी फैक्टर, सेकंड है रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल हाइड्रोजन, और थर्ड है रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजन। तो देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कितनी संभावना है, मतलब कौन सा, जैसे सपोज करो कि एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ठीक है। अब यहां पे देखो प्राइमरी कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, और इससे जो लगा हुआ वो प्राइमरी हाइड्रोजन है, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 प्लस 3, 3 इसमें है प्राइमरी और 3 इसमें है, तो 3 प्लस 3 यानी 6 प्राइमरी हाइड्रोजन हो गए। अब सेकेंडरी देखो, ये सेकेंडरी है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, ये सेकेंडरी क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हमारे पास, सेकेंडरी हो गए 2 प्लस 2 यानी 4, तो 4 मेरे पास सेकेंडरी हाइड्रोजन, यानी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसकी 6:4, जो अगर मैंने कहा प्राइमरी रेशियो सेकेंडरी करेंगे तो क्या होगा, 6:4 की प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी 3:2, यानी ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी हो गई, प्राइमरी वाली, और सेकेंड हो गई सेकेंडरी वाली। अगर बहुत ज्यादा होंगे तो क्या होगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी उसी के साथ कोलाइड करने की है या रिएक्शन करने की है। तो पहला फैक्टर इसमें कौन सा आता है, प्रोबेबिलिटी का फैक्टर। सेकंड पॉइंट, सेकंड इज रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो रिएक्टिविटी का तो ऑर्डर बिल्कुल फिक्स है, रिएक्टिविटी मीन्स 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, दिस इज कॉल्ड रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो 3 degree, 2 degree and 1 degree। अब इसमें लास्ट आता है यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन। अब देखो हेलोजन में सबकी अलग अलग बात है, जैसे मैंने कहा फ्लोरीन, तो फ्लोरीन क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्या होता है, लेस सिलेक्टिव, यानी कि वो देखेगा नहीं, उसको इससे मतलब ही नहीं है किससे रिएक्शन हो रही, जो उसको देखेगा वहीं पे अटैक कर जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो रिएक्शन वो ये नहीं देखता प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। तो अगर प्राइमरी ज़्यादा लगेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो जाता है। तो ये क्या है, लेस सिलेक्टिव होता है, इससे मतलब नहीं है कुछ भी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन दे दिए, 1, आपको पता है ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये फिर प्राइमरी हो गया। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और 1, 2, 3 यानी 6 प्राइमरी हो गए और 2 सेकेंडरी हो गए। तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा फिर अटैक करेगा, तो इतना वेट नहीं करता। तो फ्लोरीन की 2 पॉसिबिलिटी है, प्राइमरी और सेकेंडरी में जाना। लेकिन क्या है, जो फ्लोरीन होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो लेस सिलेक्टिव, वो ये नहीं देखेगा कि मुझे सिलेक्ट कौन सा करना है, वो डायरेक्ट उस पर कहाँ पर जाएगा, प्राइमरी पे। और प्राइमरी वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा, इसका प्राइमरी वाला मेजर बनता है। और जो सेकेंडरी वाला केस है, सेकेंडरी माइनर बनता है, क्योंकि ये वेट नहीं करेगा। यहाँ पे देखो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो जो सेकेंडरी वाला होता है यहाँ पे माइनर बनता है। तो इसमें ध्यान रखना, प्राइमरी इसका मेजर बनता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी। रीजन क्या है, देखो रीजन से सिंपल रीजन है इसका, स्टेरिक हिंड्रेंस। रिपल्सन होगा, जैसे बड़े ग्रुप लगे हुए हैं तो ये यहाँ से अटैक नहीं कर पाता इसको, ठीक है, क्योंकि उसको क्या है, रिएक्शन की जल्दी है ना, हाईली रिएक्टिव है। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है मोस्ट रिएक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वेट नहीं करेगा जो उसके सामने आने। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम करेगा। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम करेगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर काम करेगा। जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी वही वाला प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यहाँ पे इफेक्टिव होगा इन केस ऑफ फ्लोरीन, इसे सोचना ही नहीं है। अब सेकंड आते हैं क्लोरीन पे। क्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन से कम रिएक्टिव होता है, लेकिन ये भी क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है, लेकिन ये थोड़ा मीडियम होता है। तो ये क्या होगा, अगर रिएक्टिव ज़्यादा हुआ तो सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी, लेकिन किससे ज़्यादा होगी, फ्लोरीन से। इसीलिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा है, क्लोरीन का ही सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस। अब इसमें क्या होता है, इसमें ध्यान रखना, इसमें दोनों तरीके के आंसर मिलते हैं। हमें पता है कि जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है यहाँ पे 3:2:1, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, कई बार इसको चेंज कर देता है, इसको अभी हम बताएंगे सिलेक्टिविटी रूल में। तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्लोरीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, तो लेस सिलेक्टिव होता है, और ये भी मोर इन्फ्लुएंस्ड होगा बाय प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स, ये भी प्रोबेबिलिटी फैक्टर से क्या होगा, इन्फ्लुएंस्ड होगा, इफेक्टेड होगा। इसके अलावा देखो ब्रोमीन और आयोडीन का केस लगभग सेम होता है। ब्रोमीन और आयोडीन के केस में क्या होते हैं, दोनों लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होंगे तो क्या होगा, मोर सिलेक्टिव होंगे, आराम से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा उसके लिए अच्छा है, और उसके लिए कौन सा अच्छा है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो इनका फिक्स है कि अगर इसमें कंपाउंड होगा तो टर्सरी बनेगा, सेकेंडरी बनेगा, प्राइमरी बनेगा। लेकिन क्लोरीन वाले में और फ्लोरीन का भी फिक्स है, फ्लोरीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्लोरीन का जो है वो केस हम आगे डिस्कस करेंगे, उसके लिए एक रूल आता है, दैट इज रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल, जो अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं, जो क्लोरीन को डिसाइड करेगा, क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन का फिक्स है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी,
और फ्लोरीन का फिक्स है प्राइमरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। लेकिन क्लोरीन कहीं पे अलग और कहीं पे अलग शो करता है, थोड़ा सा डिफरेंट है, रेशियो उसका अलग आता है, उसके लिए हम अभी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज रिएक्टिविटी सिलेक्टिविटी प्रिंसिपल।